Hi, this is Nabeel Ahmed. First of all, I would like to say thanks to everyone who are watching my videos और मुझे respond कर रहे हैं. Even मेरे पास queries आ रही हैं. आप लोगों की जो queries या comment में या मुझे WhatsApp या email जो भी आ रही हैं, I'm trying my best to reply them. इन दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं. इस फीचर के थ्रू लाइक इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो दिस फीचर कैन बी ग्रेट फॉर यू. द फीचर नेम इज़ रिमोट एक्सेस. इस फीचर को बताने से पहले मैं इस फीचर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये फीचर आपके यूज़ कैसे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या आप लेक्चर दे रहे हैं, आपको एक वाइट बोर्ड पर कोई मैथ की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर इतना विजिबल नहीं होता, तो आपको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए होती है. तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने सम हाउ लैपटॉप अगर LED के साथ शेयर भी कर दी स्क्रीन, तो आपको लैपटॉप को भी देखना होता है कमांड करने के लिए, आपको LED को भी देखना होता है. सो व्हाई डोंट यू डू एवरीथिंग ऑन LED? ठीक है, वन रीज़न ये हो गया फॉर स्टूडेंट्स और टीचर्स. द सेकंड रीज़न इज़ अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप एक ही पोस्टर में लैपटॉप को लेके बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है. या आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहे हैं, आपने LED शेयर की हुई स्क्रीन से आप लैपटॉप के ऊपर भी देख रहे हैं, आप LED के ऊपर भी देख रहे हैं, दैट कैन बी ऑल्सो हैक्टिक. तो ऐसा फीचर सैमसंग का रिमोट एक्सेस कि आप सारी चीज़ें LED के ऊपर क्यों ना कनेक्ट करें. यू जस्ट नीड टू कनेक्ट ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ कीबोर्ड टू LED, एंड देन यू कैन डू एवरीथिंग जस्ट लाइक यू डू ऑन लैपटॉप. आई होप आप समझ गए होंगे रिमोट एक्सेस किस तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये कितना आपके काम आ सकता है. तो अब मैं आपको बताऊंगा रिमोट एक्सेस को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब मैं आपको रिमोट एक्सेस किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसका तरीका बताऊंगा. बस इस बात का ख्याल रहे, रिमोट एक्सेस 2019 के QLED जैसे Q60R, Q80R और RU7400 अपग्रेडेड मॉडल के अंदर अवेलेबल है. रिमोट एक्सेस के लिए आपको समय पहले सोर्स पे जाना पड़ेगा. आप सोर्स पे गए, वहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस दिखेगा. आप रिमोट एक्सेस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको रिमोट PC पे जाना पड़ेगा. जब आप रिमोट PC पे जाएंगे, तो आपका लैपटॉप का IP एड्रेस है वो आपका लैपटॉप का यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा. जो आपका IP एड्रेस है आपको किस तरह आपको मिलेगा, और एक और चीज़ आपको जो लैपटॉप पे करनी होगी वो मैं आपको पहले अब वो बता देता हूँ. ओके, लैपटॉप पे जैसा मैंने आपको बताया, आपको लैपटॉप पे दो काम करने पड़ेंगे. सबसे पहले आप जाएंगे अपने इंटरनेट कनेक्शन पे, और वहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपका IP एड्रेस आपको मिल जाएगा. IPv4 एड्रेस ही आपका IP एड्रेस है. आप इस IP एड्रेस को अपने TV के ऊपर एंटर करेंगे, और आपको दूसरा काम जो करना पड़ेगा, आप सर्च पे आएंगे, आप लिखेंगे अलाउ रिमोट असिस्टेंस इनविटेशन. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा आपके पास सिस्टम प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी. आप सिंपली वहाँ पे जाके इसको अलाउ कर दें. आप जब ये अलाउ करेंगे, दैट मीन्स यू आर गारंटीड द LED दैट इट कैन यूज़ योर लैपटॉप ऑन LED TV. ओके, मैंने अपना IP एड्रेस, अपना लैपटॉप का यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने डाल दिया है. अब सिंपली मैं कनेक्ट करूँगा इसके ऊपर. जब मैं कनेक्ट करूँगा तो उसके बाद आप सिंपली से यस के ऊपर टैप कर देंगे. जब आप यस करेंगे तो अब जो मेरी लैपटॉप का जो डेटा है वो LED के ऊपर लोड होगा. बेसिकली अब मेरा जो लैपटॉप है, अगर आप देखेंगे तो उसकी स्क्रीन लॉक हो गई है, और LED के ऊपर मेरा डेटा लैपटॉप का लोड हो गया है. अगर आपके पास ब्लूटूथ माउस है, ब्लूटूथ कीबोर्ड है, तो आप सिंपली इसको भी LED के साथ कनेक्ट करें, और आप आराम से ऑनलाइन क्लासेस देनी है या वर्क फ्रॉम होम करें, यू कैन डू इट योरसेल्फ. मैंने एक सैम्पल की एक्सेल की फाइल खोली हुई है, जस्ट टू गिव यू अ सैम्पल. मैंने एक नॉर्मल सा रिमोट लिया हुआ है और मैं एक्सेल को लाइक मूव कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू दैट मैं लैपटॉप के थ्रू काम नहीं कर रहा, मैं LED के थ्रू काम कर रहा हूँ. आई होप आपको रिमोट एक्सेस फीचर अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा. अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल गेट बैक टू यू. या आप किसी फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो, आई डू इट माई बेस्ट. और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. टेक केयर, बाय बाय, सी यू.